लिलुआ थाना अंतर्गत लिलुआ बाजार में युवक द्वारा हमला करने की घटना में एक व्यक्ति अभी भी हावड़ा जैन अस्पताल में इलाजरत है। पुलिस द्वारा जांच में पता चला कि हेनरी एंथोनी नामक युवक बंगलुरु में कार्यरत था। कुछ साल पहले नौकरी छूटने के कारण वह वापस लिलुआ आ गया था। परिवार के लोगों का कहना है कि तभी से उसका मानसिक संतुलन खराब है। आइए देखते हैं क्या कहा डीसी नॉर्थ अंशुमन साहा ने। कल 18 फरवरी को लिलुआ बाजार में एक घटना घटी। वहाँ पे एक हेनरी एंथोनी करके एक लड़का 22 साल की उम्र है उसका, ये अचानक हाथ में कोई वेपन लेके चार लोगों के ऊपर हमला बोल दिया। उसके बाद चार ने घायल हो गया और तीन को हम लोग चार को एडमिट किए थे उस टाइम, और तीन को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया और एक अभी भी भर्ती है हॉस्पिटल में। तो आफ्टर दैट उसको हम अरेस्ट किए हैं, पुलिस पहुँच गया था उस वहाँ पर और हम अरेस्ट किए हैं और कोर्ट में फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो प्राथमिक तदंत में ये मिल रहा है लोकल इंक्वायरी के बाद कि इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम लोग कोर्ट में उसको पेश करेंगे और बाकी रिक्वेस्ट करेंगे वो मेडिकल बोर्ड फेस करने का, और उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे।